हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी C63 5G में पावर बटन टू एंड कॉल सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में आना है। सो फ्रेंड्स सेटिंग पे क्लिक करते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको असेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स का। सो फ्रेंड्स ये हमारा पावर बटन टू एंड कॉल सेटिंग। अगर आप इस सेटिंग को एनेबल कर देंगे तो फ्रेंड्स आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी या फिर आप किसी भी कॉल पे बात कर रहे हैं और अगर आपको उस कॉल को कट करना है तो फ्रेंड्स आप पावर बटन दबा के उस कॉल को एंड कर सकते हैं अगर आप इस सेटिंग को एनेबल कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स मैं सेटिंग को एनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को एनेबल करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स मैं सेटिंग को एनेबल कर देता हूं। इसको एनेबल करने के बाद अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स यहां मैं अपनी फोन की होम स्क्रीन पे आ गया हूं। यहां मैंने कॉल पैड पे क्लिक किया और यहां मैंने डायल पैड पे क्लिक किया और यहां मैंने कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आप देख रहे हैं यहां मेरी कॉल कनेक्ट हो गई और यहां मैंने पावर बटन दबा दिया। पावर बटन दबाते ही मेरी कॉल एंड हो गई। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप Realme C63 5G में पावर बटन टू एंड कॉल सेटिंग एनेबल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।